क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 2 श्लोक 57। श्री कृष्ण अर्जुन जो दिव्य संवाद आहे श्री मद्भागवत गीता। हिंदू धर्म जो आधार आहे गीता। जिंदगी जे हर प्रश्न जो समाधान ये थी गीता। श्री मद्भागवत गीता जेका आज खां 5000 सालन खां अग लिखी वई छा अज भी ओतरी ही प्रासंगिक आहे। व्याख्या थींदी गीता जे सामाजिक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक आध्यात्मिक ए अड़े केतरन ही पहलुन जी। खुलंदो हिक एक श्लोक वो भी अज जो मिसालों खड़ी अवां बुधना श्री मद्भागवत गीता जी एक वृहद व्याख्या अज जे संदर्भ में प्रस्तुत करता आहिन माया वसंदाणी। यह सर्वत्रान भिस्नेहस तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है तथा शुभ या अशुभ की प्राप्ति से वह न तो प्रसन्न होता है और न ही उसे किसी बात का द्वेष होता है वही व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया था वह मनुष्य जिसने अपनी सभी कामनाओं और इच्छाओं को त्याग दिया है और जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है उसे स्थिर प्रज्ञ मनुष्य कहा जाना चाहिए। और दूसरा लक्षण उन्होंने बताया सुख दुख में संभाव रखने वाले व्यक्ति को, वह व्यक्ति जो सुख में अत्यधिक खुश नहीं होता और दुख आने पर बहुत दुखी नहीं होता और साथ ही जिसने राग क्रोध और भय को त्याग दिया है उसे स्थिर प्रज्ञ मनुष्य जानना चाहिए। इसी क्रम में इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य जिसने अपनी सभी तरफ से आसक्ति को त्याग दिया है, आसक्ति माना मोह, आसक्ति को त्याग दिया है तथा शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो वह प्रसन्न होता है ना वह देव द्वेष करता है उसे स्थिर प्रज्ञ मनुष्य जानना चाहिए। यहाँ यह बात समझनी चाहिए कि श्री कृष्ण ने कहा है वो मनुष्य का मतलब है वह किसी विशेष जाति संप्रदाय का नहीं है, वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो सकता है, कोई भी मनुष्य हो सकता है जिसने अपनी सभी आसक्तियों को त्याग दिया है, वह पूर्ण रूप से आसक्ति रहित हो गया है उस मनुष्य को स्थिर प्रज्ञ मनुष्य जानना चाहिए। होता क्या है कि जब हमारे जीवन में कुछ शुभ होता है, कुछ अच्छा होता है, कहीं हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है, कहीं हमारे मन मुताबिक कोई कार्य हो जाता है, कहीं हमें थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है, तो इंसान की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वह सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझने लग जाता है। उसे लगता है जैसे मैं ही सब कुछ हूँ। वह अपने नीचे कार्य करने वालों को अपना गुलाम समझता है और खुद को भगवान समझने लग जाता है। वह ऐसा लगता है उसे जैसे वही सब कुछ है, उसी के कारण सब कुछ हो रहा है और अगर वो नहीं होता तो पता नहीं सृष्टि भी चलती या नहीं चलती। उसके मन में अहंकार आ जाता है। और दूसरी तरफ जब कोई कुछ भी जरा सा अशुभ हो जाता है
तो वह अपने आप को दीन समझने लग जाता है, डिप्रेशन से घिर जाता है, पैनिक हो जाता है, दुखी हो जाता है, रात की नींद चली जाती है, कहीं थोड़ी सी इज्जत न मिले, कहीं मन मुताबिक कार्य न हो, कहीं सफलता न मिले, कहीं भी कुछ भी उसे अपने मन के मुताबिक ऐसा लगे कि वैसा नहीं हो पा रहा है, तो वह अत्यधिक दुखी और निराश हो जाता है। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में बार बार यही उपदेश देते हैं कि आपको सब तरह की आसक्तियों से भाव विरक्त रखना है। कर्म में तो आपको लगे रहना है, परंतु अपना भाव विरक्त रखना है, आसक्ति नहीं रखनी है। इसी क्रम में आगे कहते हैं, जो मनुष्य शुभ को प्राप्त करके ना तो बहुत प्रसन्न होता है और ना ही अशुभ को प्राप्त करके द्वेष को प्राप्त करता है, वही मनुष्य स्थिर प्रज्ञ मनुष्य कहलाता है। यहाँ यह ध्यान लेने लायक बात है कि अनासक्ति का मतलब वैराग्य नहीं है। अनासक्ति का भाव मतलब वैराग्य भाव नहीं है कि हम संसार से निराश होकर वैराग्य को प्राप्त करके कहें हमें तो कहीं मोह रहा नहीं, हम विरक्त हो गए हैं, हमें तो किसी में कोई आसक्ति रहे नहीं, कुछ भी होता रहे हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तो आपको करना ही है, कर्म बंधन का नाश कर्म से, आपको अपने कर्म में लगे रहना है, परंतु भाव विरक्त रखना है। और आगे यह संदेश देती है गीता कि मानसिक संतुलन हर अवस्था में जरूरी है, ऐसा नहीं कि युवावस्था में या वृद्धावस्था में चाहिए, यह मनुष्य की हर अवस्था में चाहिए, बाल्यावस्था से लेकर अंतिम क्षण तक मानसिक संतुलन रखना है, दुख सुख में संभाव, दुख में दुखी नहीं रहना, और जरा सा सुख आ जाए तो उसमें अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना, अहंकार नहीं करना है, यही गीता बार बार यही संदेश देती है। One who remains unattached under all conditions and is neither delighted by good fortune nor dejected by tribulation is a sage with perfect knowledge. बुराई कंदस को न थींदो उदास, भलाई कंदस को न थींदस हलास, न उन जो को शत्रु न को दोस्त भाव, यो या बुद्धिमान जो आसुभाव। जीअं त पाण खे खबर आहे श्री कृष्ण भॻवान खां अर्जुन पुछो वईसि त स्थिर प्रज्ञ मनुष्य जा कहिड़ा लक्षण आहिनि। श्री कृष्ण भॻवान उत्तर ॾिनो वईसि त उहो मनुष्य जंहिं पंहिंजी सभिनी कामनाऊं ऐं इच्छाउनि खे छॾे ॾिनो आहे, गॾो गॾु हू पंहिंजो पाण में ई संतुष्ट थो रहे, त उनखे स्थिर प्रज्ञ मनुष्य सम्झणु घुर्जे। ॿिए श्लोक में, श्लोक नंबर 56 में उन्हनि उत्तर ॾिनो त उहो मनुष्य जेको सुख दुख में संभाव थो रखे, जंहिं राग भय क्रोध इत्यादिअ खे त्यागे छॾियो आहे, छॾे छॾियो आहे, उन मनुष्य खे बि स्थिर प्रज्ञ मनुष्य सम्झणु घुर्जे। हिन श्लोक में अॻियां टियों लक्षण था ॿुधाइनि त उहो मनुष्य जेको सभु तरफ़ सां अनासक्तिअ वारो थी वियो आहे, अनासक्ति यानी जंहिं सभिनी तरफ़ सां मोह खे छॾे छॾियो आहे, ऐं जेको शुभ में तमामु ख़ुशि नथो थिए ऐं थोरो अशुभ थो थिए त उन में दुखी नथो थिए, उहो मनुष्य स्थिर प्रज्ञ मनुष्य आहे। हिन में शुरुआत कई अथई 57 श्लोक में त जेको मनुष्य यानी कि को बि मनुष्य थी थो सघे, कहिड़े बि जाति संप्रदाय धर्म जो थी थो सघे, इन में को बंधन कान्हे, कहिड़ो बि मनुष्य जंहिं पंहिंजी सॼी आसक्तिअ खे छॾे छॾियो आहे, आसक्ति माना मोह, त थींदो छा आहे पंहिंजे ज़िंदगीअ में, पाण वटि अगरि कुझु थोरो सो बि शुभ थिए, थोरी इज़त मिले, थोरो पाण खे नालो मिले, थोरो पाण खे सफलता मिली वञे, थोरी सफलता मिली वञे, कामयाबी मिली वञे,
या थोरो मन मुझे कम थी वने त पाण तमाम खुश थी वेंदा आहियूं। साम्हूं वारे खे त तुच्छ समझंदा आहियूं, ही त मुंहिंजे अॻियां कुझु आहे ई कान, मां आहियां, मुंहिंजे करे ई कमु थिए पियो, मां न हुजां त शायदि ई कमु थिए ई न। हुनखे ईअं लॻंदो आहे कि मां आहियां त सृष्टि हले थी, मुंहिंजे वञण खां पोइ त ॼण सृष्टि बि हलणु रुकी वेंदी, ऐं हुनखे अहंकार अची वेंदो आहे। पंहिंजा हेठि कमु कंदड़ वारनि खे हू ग़ुलाम सम्झंदो आहे, पाण खे भॻवानु सम्झंदो आहे कि हिननि जो घर त मुंहिंजे करे ई हले पियो, ऐं जिते बि वञे हुनखे ईअं ई महसूसु थींदो आहे कि मां ई सभु कुझु आहियां। पंहिंजो पाण खे हू एॾो वधीक सम्झंदो आहे कि हुनजे अॻियां हुनखे ईअं लॻंदो अथसि त भॻवान बि शायदि कुझु आहे कि न आहे। ऐं ॿिए तरफ़ जॾहिं उहो ई माण्हू साॻियो माण्हूअ जे अॻियां थोरो ई दुख अची वञे, असफलता मिले, नाकामयाबी मिले, थोरी ॾुख मिले, थोरो मन मुजिबि कमु न थिए, थोरी बेज़ती थी वञे चइनि माण्हुनि जे विच में, त हू निराश थी वेंदो आहे, हुनखे ॾुख थींदो आहे, हुनजी निंड फिटी पवंदी आहे कि मुंहिंजी बेज़ती कीअं थी वई, मां हेॾो वॾो माण्हू मूंखे हीअं चई ॾिननि, ऐं हू डिप्रेशन में अची वेंदो आहे, हू निराश थी वेंदो आहे, पैनिक थी वेंदो आहे। ऐं भॻवानु चवे थो इन्हनि ॿिन्ही अवस्थाउनि सां पाण खे बचणु घुरिजे, वर वर चवे थो इन्हनि ॿिन्ही अवस्थाउनि सां पाण खे बचणु घुरिजे। अॻियां चवे थो त जेको मनुष्य शुभ अशुभ में न त वधीक ख़ुशि थो थिए ऐं न वधीक द्वेष थो रखे, उहो ई मनुष्य स्थिर प्रज्ञ मनुष्य सम्झणु घुरिजे। हिते इहो बि सम्झणु घुरिजे कि अनासक्तिअ जो भाव मतिलबु वैराग्य भाव कान्हे। मां ईअं चवां कि मूंखे त किथे बि अनासक्ति हाणे आहे, मुंहिंजी त किथे बि आसक्ति रही कोन, असांजो त मोह रहियो कान, भले कीअं बि कनि कुझु बि कनि, असांजो छा वञे, असां हाणे इन्हनि ॻाल्हियुनि में आहियूं ई कोन। त श्री कृष्ण भॻवानु चवे थो ईअं नाहे, तव्हांखे कर्म त जेसीं ताईं आहियो करणो ई आहे, कर्म बंधन जो नाश कर्म सां ई थींदो, रुगो ईअं ई हथ ते हथ ॿधी करे रखण सां कर्म बंधन नाश न थी सघंदो, तव्हांखे कर्म करणो ई आहे। ऐं इन करे ईअं न सम्झणु घुरिजे त अनासक्ति मतिलबु वैराग्य आहे, निराशा जो भाव आहे, ईअं न आहे। गीता वर वर संदेश ॾिए थी त दुख सुख में संभाव रखणो आहे, अनासक्तिअ जो भाव रखणो आहे, कर्म में हमेशह पाण खे लॻियो रहणो आहे, कर्म सां ई योग रखणो आहे, कर्म सां ई जुड़णो आहे, पर भाव अनासक्तिअ जो रखणो आहे। गीता वर वर इहो ई संदेश ॾिए थी। हिते इहो बि सम्झणु घुरिजे त जेको मानसिक संतुलन जी जेका घुर्ज आहे, उहा कंहिं ख़ासि अवस्था जी घुर्ज न आहे, असांजे ॿार खां वठी आख़िरी खिण ताईं मानसिक संतुलन जी घुर्ज रहंदी आहे। मानसिक संतुलन रखी करे हलणो आहे, ईअं न आहे कि इहा युवा अवस्था में या ॿुढापे जी ज़रूरत आहे। इहो नंढपण सां ई ॿार खे सेखारिजे त तोखे मानसिक संतुलन रखणो आहे, सुख दुख में सम रहणो आहे। जॾहिं ॿार शुरू खां ई वठी सुख दुख में सम रहंदो त हुनजी ज़िंदगी केॾी न सुहिणी थी वेंदी। गीता इहो ई संदेश ॾिए थी। इन रीत अध्याय ॿिएं जे श्लोक 57 जे अर्थ पूरण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 58। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण। इनकारी बयान ऐं निवेदन। गीता जी व्याख्या जे दौरान वक्ता पारां जेके बि वीचार पेश कया वञनि था, उहे घणनि ई गीता पुस्तकनि मां, ॿिए बि धार्मिक साहित्य मां, इंटरनेट तां, विद्यार्थी जीवन में वक्ता द्वारा पढ़ियल किताबुनि मां, या वक्ता जे पंहिंजे निजी वीचारनि, भावनि ऐं अनुभवनि ते आधारित आहिनि। व्याख्या करण जो उद्देश्य कंहिंजी भावनाउनि खे आहत करण जो न आहे। इन जे बावजूद बि अगरि कंहिंजी भावना आहत थिए थी त वक्ता ऐं चैनल इन जे लाइ अवली क्षमा प्रार्थी आहे। गीता जी व्याख्या जो प्राथमिक उद्देश्य अॼु जी नई टहीअ जे मन में
गीता जे प्रति मान वधाइण ऐं रुचि पैदा करण आहे। हिन विषय ते अॻु में ई पारंगत विद्वाननि सां तर्क वितर्क करण, वाद विवाद करण या कंहिं बि बहस चर्चा में उलझण जो को बि मक़सद कोन आहे। गीता जे सिंधीअ में समुझाइण जी कोशिश कई वई आहे, जीअं अॼु जी नई टहीअ में भाषा जे लाइ रुचि जागे। जिन खे अॻु में ई सिंधी भाषा ईंदी आहे, उन्हनि सां उच्चारण, व्याकरण या ॿी भाषा जे शब्दनि जे कतब में आणण खे खणी करे कंहिं बि विवाद में उलझण जो बि मक़सदु कोन आहे। गीता खे समुझाइण लाइ जेके बि मिसालूं वक्ता द्वारा खयूं वयूं आहिनि, उहे व्यवहारिक ज़िंदगीअ ते त आधारित आहिनि, पर कंहिंजी निज़ी ज़िंदगीअ सां इन्हनि मिसालुनि जो वास्तो न आहे। इन जे लाइ इन्हनि मिसालुनि खे व्यक्तिगत तौर ते न खयो वञे। कंहिं बि सुझाव या सुवाल लाइ हिकु मात्र ज़रियो चैनल जो कॉमेंट बॉक्स ई रहंदो। निजी तौर ते फ़ोन ते या व्हाट्सएप ते वक्ता द्वारा चर्चा करण जी जवाबदेही न रहंदी। कमेंट बॉक्स में आयल कंहिं बि दर्शक जो कमेंट जी वक्ता या चैनल जी जवाबदेही बि न रहंदी। धन्यवाद।